तो पिछली मीटिंग में देखिए हम लोगों ने एक रिजल्ट डिराइव किया, उसको मैंने बोला कि आप याद रख सकते हो, है ना। और रिजल्ट किस टेक्निक से डिराइव किया, वो सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम टाइप टू की प्रॉब्लम की तरीके से करके हमने वो रिजल्ट यहाँ पे डिराइव किया, ठीक है। अब देखिए वो जो आपका डेरिवेशन है वो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि आप उतना लंबा पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करो। ये डायरेक्ट डेरिवेशन लिख के मैं दिखाता हूँ। देखिए साइन इनवर्स ऑफ क्या था क्वेश्चन, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। हम डायरेक्ट इसका डेरिवेशन करके दिखाते हैं बिना उतना लंबा डिटेल प्रोसेस किए हुए। तो पता है थोड़ा सा रफ वर्क लेकिन आपको करना पड़ेगा, डायरेक्ट भी अगर करना है ना तो थोड़ा सा रफ वर्क तो आपको लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमें सब्सटीट्यूशन करना है, क्या सब्सटीट्यूशन करना है, x की वैल्यू tan थीटा, तो आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो फॉर्मूला बनेगा साइन 2 थीटा का। तो आपको यहाँ पे 2 थीटा लिखना पड़ेगा कि किस इंटरवल में बिलोंग करता है। तो अगर आपने यहाँ पे x को tan थीटा पुट किया था तो थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, तो 2 थीटा आपका माइनस पाई से पाई के बीच में होगा। तो माइनस पाई से पाई के बीच में साइन इनवर्स साइन का ग्राफ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। साइन इनवर्स साइन का ग्राफ आपको किस में देखना पड़ेगा, माइनस पाई से पाई के बीच। देखो साइन इनवर्स साइन का रफली ग्राफ बनाते हैं, पूरा नहीं बनाते हैं, सिर्फ हम कितने में बनाते हैं, माइनस पाई से पाई के बीच में बनाते हैं बस। तो आपने देखा कि ये ग्राफ तीन लाइन से बना हुआ है, इसलिए आप इसका आंसर तीन केसेस में लिखोगे, क्लियर। इसका आंसर आप क्या लिखोगे, तीन केसेस में आप इसका आंसर लिखोगे। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बस इतना हमारा रफ वर्क रहेगा, इतना रफ वर्क करके आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन केसेस में हमारा आंसर रहेगा। एक डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, पहला वाला ये वाला, ये क्या है, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट आंसर होगा। व्हाट विल बी डायरेक्ट आंसर, टू थीटा या टू थीटा की जगह पे टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सी लाइन है, इसको देख करके आप लिख सकते हो, पाई माइनस एक्स या पाई माइनस टू थीटा या पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। या याद रखने का टेक्निक मैंने बताया कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पाई माइनस। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इसमें माइनस लगा दो, या आप यहां से लिख सकते हो कि ये कौन सी लाइन है, माइनस पाई माइनस एक्स मतलब टू थीटा मतलब टू टेन इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से देखो डायरेक्ट बिना किसी कैलकुलेशन के इतने रफ वर्क से आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके ये लिख सकते हो। अब रही बात की कंडीशन कैसे निकाली जाए, है ना, तो कंडीशन भी आप निकाल सकते हो। देखो डायरेक्ट वाले कंडीशन पहले निकालो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब ये टू टेन इनवर्स साइन इनवर्स की रेंज में लाई करें। अपने मन में सोचिए, जब टू टेन इनवर्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करें, तो टू से डिवाइड करो तो tan इनवर्स माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर के बीच में लाई करे। अगर tan इनवर्स माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर के बीच में लाई करे तो x आपका tan ले लो तीनों साइड का, तो माइनस वन से वन में लाई करे तो x अगर आपका माइनस वन से वन में लाई करे तो यहाँ पे जो कंडीशन लिखोगे ये आगे वाली कंडीशन है, आगे वाली मतलब x ग्रेटर आर इक्वल टू वन वाली, और यहाँ ये पीछे की कंडीशन है मतलब x लेस आर इक्वल टू माइनस वन वाली। तो इस तरीके से ना मैं इतने छोटे से रफ वर्क से इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख सकता हूँ, और ऐसा आपको भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि सर याद नहीं होता फॉर्मूला, याद नहीं होता। तो अगर आप इस टेक्निक से, इस ट्रिक से याद रखोगे ना, तो बड़े आराम से आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। दूसरी बात इस फॉर्मूले का एक और तरीके से यूज होता है, आप टू टेन इनवर्स को कई बार साइन इनवर्स में बदलते हैं। देखिए क्या करते हैं हम लोग, टू टेन इनवर्स को हम लोग किस में बदलेंगे, साइन इनवर्स में। तो टू टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलेंगे। यहां से आप डायरेक्ट बदल सकते हो, कैसे, टू टेन इनवर्स एक्स को आप लिख दिए क्या, या यहां से डायरेक्ट तो बदल ही सकते हो, आप मैच करिएगा जो मैं लिख रहा हूं वो आपका सही है कि नहीं, ठीक है। मैं बिना इसको देखे हुए लिख रहा हूं आंसर, आपको भी बिना इसको देखे लिखना आना चाहिए। जहां पे आपको बिना इसको देखे नहीं बन रहा है लिखते हुए, तो पहले आप इसको लिख देना फिर ये वाला फॉर्मूला लिखना। फिलहाल बिना देखे इसको लिखते हैं, ध्यान से सुनिए, टू टेन इनवर्स को
हम लोग लिखना चाह रहे हैं साइन इनवर्स में। देखिए 2 टैन इनवर्स को हम लोग साइन इनवर्स में लिखना चाह रहे हैं, तो पता है कैसे लिखोगे? आप देखो ध्यान से, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टैन थीटा के टर्म में लिखो। देख रहे हो कैसे लिख रहे हूं, कैसे लिख रहा हूं मैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टैन थीटा के टर्म में क्या होता है? 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। क्लियर? रही बात कंडीशन की, सर इसको तो हम देख नहीं रहे हैं, तो कंडीशन कैसे लिखें? तो कंडीशन के लिए वही क्राइटेरिया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला कब वैलिड होगा? जब ये 2 टैन इनवर्स साइन इनवर्स की रेंज में लाई करेगा, मतलब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, टैन लोगे तो माइनस 1 से 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला कब वैलिड होगा? जब एक्स आपका माइनस 1 से 1 होगा। यहां पे देखिए, यहां पे आते हैं, यहां पे आपके पास आएगा सिंपल पाई माइनस, मतलब वही वाला साइन किस क्वार्टर में पॉजिटिव होता है? सेकेंड वाले में। तो पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ वही 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कब वैलिड होगा? फॉर x ग्रेटर आर इक्वल टू 1। और यहाँ पे पाई के पीछे बस माइनस लगाना है, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कब वैलिड होगा? जब x आपका लेस आर इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरीके से आप 2 tan इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल सकते हो जब कभी भी जरूरत पड़े तो, बाई दिस फॉर्मूला एंड दिस कंडीशन। इस तरीके से आप इसको तुरंत डिराइव कर सकते हो, दैट मींस कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसे डिराइव करने में 10 सेकंड लगेगा अगर आप ये टेक्निक सीखते हो तो। क्लियर? अब इसकी जरूरत पड़ती है ना, जैसे मान लीजिए कहीं किसी क्वेश्चन में आ गया कि साइन ऑफ 2 tan इनवर्स, तो बेटर नहीं होगा कि इस 2 tan इनवर्स को अगर हम साइन इनवर्स में बदल दें तो साइन और साइन इनवर्स को फिर हम कट कर देंगे और फिर हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो खैर इसको आगे देखेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला इस तरीके से होता है, आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको इस पे कुछ कुछ मिलता है, ज्यादा नहीं मिलेगा लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर है? हो जाएगा, आप देख सकते हो। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, और नहीं तो फिर अगला फॉर्मूला देते हैं, वो आप मुझे जरा करके बताइए कि होगा कि नहीं। तो चलो भाई, जब आप इसमें सीखे हो तो अब आप मुझे सिंप्लीफाई करके बताइए। आप चाहे प्रोसेस से सिंप्लीफाई करो, मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई करूंगा। ये जो मैंने डायरेक्ट टेक्निक बताई ना, छोटा सा रफ वर्क और मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, आप चाहे तो प्रोसेस से करके देख लो। आपको सिंप्लीफाई करना है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जल्दी से ट्राई करिए फिर मैं करूँ। चलिए मैं करता हूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट करता हूं, आप बकायदे सब्स्टिट्यूशन करके करिएगा। क्या सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है इसमें? इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है पुट x इक्वल टू टैन थीटा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, ये डायरेक्ट cos में बदल जाएगा। यहाँ पे थीटा किस इंटरवल में बिलोंग करेगा? जी थीटा फिर से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में बिलोंग करेगा बिकॉज ऑफ द रेंज ऑफ tan इनवर्स। मैं डायरेक्ट करूंगा, आप डिटेल से कर लीजिएगा, ठीक है, और आंसर मैच करिएगा। डायरेक्टली आपको भी करना आना चाहिए। तो भाई यहाँ पे ये क्या बनेगा? cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो 2 थीटा किस इंटरवल में बिलोंग करेगा? 2 थीटा आपका माइनस पाई से पाई में बिलोंग करेगा। माइनस पाई से पाई में आप cos इनवर्स cos का ग्राफ ड्रॉ करिए। डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा cos इनवर्स cos। क्यों नहीं कैंसिल होगा? क्योंकि ये 2 थीटा cos इनवर्स की रेंज के बाहर है। cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, इसलिए डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा। आप इसको करने के लिए क्या करोगे? cos इनवर्स cos का ग्राफ, cos इनवर्स cos का ग्राफ बनाइए। किस इंटरवल में बनाओगे? cos इनवर्स cos का ग्राफ आप माइनस पाई से पाई में बनाओगे, बस इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है। ठीक, याद करिए ग्राफ कैसे होता था। 0 से पाई में ये सिंपल y इक्वल टू x लाइन को फॉलो करता था, और पीछे जो है ये माइनस पाई से 0 में ये y इक्वल टू माइनस x लाइन को फॉलो करेगा, यही ना। तो कितनी लाइन बनी? मात्र 2 लाइन बनी, एक x और एक माइनस x। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो आप मात्र 2 केस में ही लिखोगे, इसमें 3 केस नहीं आएगा। तो हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं, देखिए cos इनवर्स ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको मात्र दो केस में देना है। ठीक है, कौन कौन सा, यहां से लिखो, यहां से इधर से स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहले लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स मतलब 2 थीटा, 2 थीटा मतलब थीटा मतलब tan इनवर्स x, ठीक। और दूसरा y इक्वल टू x लाइन, x मतलब 2 थीटा, थीटा मतलब tan इनवर्स x। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास ये आ रहा है, माइनस 2 tan इनवर्स x एंड 2 tan इनवर्स x। रही बात कंडीशन की, तो कंडीशन देखिए वही टेक्निक अपनाइए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब ये 2 tan इनवर्स जो है वो cos इनवर्स की रेंज में लाई करे, मतलब 0 से पाई में लाई करे। तो 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 0 से पाई बाई 2 में लाई करे tan इनवर्स। तो तीनों साइड का tan लो, तो tan 0 0, tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी, तो x आपका 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करे, या आप इसको बोल सकते हो 0 से इन्फिनिटी मतलब x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये वाला ऑटोमेटिकली का क्या हो जाएगा, x लेस देन 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, किसका, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। देखिए बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, दो तीन लाइन रफ वर्क में लिख लेना और इसके बाद आप इस तरीके से फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। इन द सेम वे आप 2 tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदल सकते हो। ठीक है, अब देखिए 2 tan इनवर्स को cos इनवर्स में कैसे बदलते हैं, मैं पीछे बिना देखे लिख रहा हूं, दो केस आएगा। ठीक है, एक डायरेक्ट कॉस इनवर्स में कैसे बदलोगे, डायरेक्ट तो देखिए टेक्निक मैंने बताया थी, कॉस ध्यान से देखिएगा ऐसे आना चाहिए आपको, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला टेन के टर्म में, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला टेन के टर्म में क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वही कब वैलिड होगा, जब ये 0 से पाई, 2 से डिवाइड करो 0 से पाई बाई 2, मतलब फॉर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और ये आपका माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा फॉर एक्स लेस देन 0। तो इस तरीके से आप 2 tan इनवर्स को डायरेक्टली कॉस इनवर्स के टर्म में बदल सकते हो। कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप बताइए, नहीं तो हम लोग आगे अगले कन्वर्जन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने किया, समझ में आया सबको, डायरेक्ट लिखना भी आ गया। अब आप चाहो तो इसको डिटेल से पूरा लिख करके कर सकते हो, अच्छा कि अच्छा ये बनेगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, फिर डिटेल से ग्राफ ड्रॉ करो, फिर थीटा के टर्म में, फिर बैक सब्स्टिट्यूशन। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिखना आपसे भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, इसको जरा सिंप्लीफाई करके दिखाइए, डायरेक्ट करो तो बहुत ही अच्छा। इसको साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके दिखाइए, जैसा मैंने बताया अगर डायरेक्ट कर सको तो बहुत ही अच्छा, जल्दी से करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए किस तरीके से करना है, डायरेक्ट करना है। यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करे हुए करोगे, देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है x इक्वल टू हम लोग साइन थीटा पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा ना 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा। थीटा किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, थीटा यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में बिलोंग करेगा, यहाँ पे आपके पास 3 थीटा बनेगा, तो 3 थीटा किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, 3 थीटा आपका माइनस 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करेगा। तो पता है साइन इनवर्स साइन का ग्राफ आप पूरा मत बनाइए, आप सिर्फ माइनस 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में बनाइए, ये काम मैं इस साइड में किए दे रहा हूं। ठीक, साइन इनवर्स साइन का पूरा ग्राफ नहीं बनाना, सिर्फ आपको माइनस 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 बनाना। तो देखिए याद करिए, ये था पाई बाई 2, ये क्या था जी माइनस पाई बाई 2, फिर आगे बढ़ते हो ये पाई होता है और ये 3 पाई बाई 2 होता है। इसी तरीके से इधर ये आपका माइनस पाई होता है और ये आपका माइनस 3 पाई बाई 2 होता है। आप क्या देख रहे हो कि माइनस 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच ये फिर से तीन लाइन से मिलके बना हुआ है, ये तीन लाइन, ठीक है, वही तीन लाइन है, ये पाई है और ये माइनस पाई है। ठीक है, तो इसलिए ये सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा तीन केसेस में आएगा,
आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली इट्स सिंप्लीफाइड वैल्यू तीन केस में. पहला केस ये वाली लाइन है माइनस पाई माइनस एक्स, एक्स है थ्री थीटा, थीटा है आपका साइन इनवर्स एक्स. ठीक है, इसको बना देते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स है ये. फिर ये डायरेक्टली वाई इक्वल टू एक्स लाइन है, मतलब थ्री साइन इनवर्स एक्स है. और फिर ये पाई माइनस थ्री साइन इनवर्स एक्स होगा. कंडीशन देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला कब वैलिड होगा, ये एनालिसिस आनी चाहिए. ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला वैलिड होगा अगर थ्री साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में लाई करे तो. थ्री से डिवाइड करो, ये माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स, तीनों साइड का साइन ले लो तो साइन पाई बाई सिक्स कितना होता है, वन बाई टू. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब आपका एक्स माइनस हाफ से हाफ के बीच में वैलिड हो. ये वाला कब वैलिड होगा, इसके आगे वाला है, ये हाफ से वन के बीच वाला है. ये वैलिड होगा अगर आपका एक्स हाफ से वन के बीच हो. और ये कब वैलिड होगा, जब माइनस हाफ से नीचे हो, मतलब माइनस वन से माइनस हाफ के बीच अगर है एक्स, तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा. देखिए इस तरीके से हम लोगों ने बहुत जल्द ही ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया. ठीक है, तो फॉर्मूला अच्छा, डायरेक्ट इवन आप इतना भी ना सोचो, डायरेक्ट याद रखने की टेक्निक वही है कि साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा, तो ये थ्री थीटा डायरेक्ट बनेगा, थ्री साइन इनवर्स एक्स डायरेक्ट बनेगा. यहाँ पे कैसे लिखोगे कि साइन इनवर्स साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में, तो पाई माइनस करके आएगा. और यहाँ पे मैंने बोला ना सिर्फ पाई का साइन चेंज करना है बस. तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी लिख सकते हो. एंड इन द सेम वे आप थ्री साइन इनवर्स को साइन इनवर्स में भी बदल सकते हो. ये भी आपसे आना चाहिए, क्या थ्री साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में बदल सकते हो. कैसे, ध्यान से देखिए, बिना पीछे में देखे लिख रहा हूं. देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला, देखो साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला किसके टर्म में, साइन के टर्म में. तो साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म में क्या होता है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा. ठीक, यहां पे इस क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, तो पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ वही थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब. और यहाँ पे पाई के पीछे माइनस लगाओगे तो माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, इस तरीके से आएगा. रही बात कंडीशन की, ये डायरेक्ट फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब ये इसकी रेंज में लाई करे, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, थ्री से डिवाइड करोगे, माइनस पाई बाय सिक्स से पाई बाय सिक्स, साइन लोगे तो माइनस हाफ से हाफ. ठीक, और ये वही हाफ से वन, और ये आपका माइनस वन से हाफ. ठीक, तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो. आप पीछे देख लो, मैंने बिना पीछे देखे लिखा हुआ है, आप पीछे से भी लिख सकते हो. जैसे थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू दिस, यहाँ पे थ्री साइन इनवर्स एक्स को उधर, साइन इनवर्स को उधर, तो थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ दिस, है ना, वही फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, आ रहा ना. तो इस तरीके से आप ये सारा कैलकुलेशन इजिली कर सकते हैं. एक लास्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, इसके बाद कुछ हम लोग सिंप्लीफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे एक दो, और उसके बाद हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और ये सब वाले फॉर्मूले पे आ जाएंगे. वही हमारा इस टॉपिक का लास्ट चीज होगा. ठीक है, तो चलो जरा इसको सिंप्लीफाई करके दिखाओ. तो डायरेक्ट ही लिखो, बेटा रहेगा, cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x. ठीक है, जल्दी से जरा सिंप्लीफाई करिए, तो डायरेक्टली ही करिए. चलिए देखिए भाई, करते हैं इसको, डायरेक्टली लिखना है. ठीक है, तो एक दो लाइन तो थोड़ा सा करना पड़ेगा रफ वर्क, तो एक दो लाइन रफ वर्क करते हैं. देखो यहाँ पे आप क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे, x इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस थ्री थीटा. थीटा किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, साइड में जरूर लिखिए जीरो टू पाई. ये cos 3 थीटा बनेगा, तो 3 थीटा किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, 0 टू 3 पाई. समझे, ये 0 टू 3 पाई में आएगा. अब आपको cos इनवर्स cos का ग्राफ 0 टू 3 पाई इंटरवल में बनाना है. cos इनवर्स cos का ग्राफ पूरा नहीं बनाना है, सिर्फ
जीरो से थ्री पाई में बनाना है। याद करिए, जीरो से पाई में डायरेक्ट ऐसा आता था, पाई से टू पाई में आपको कैसा मिलता था, पाई से टू पाई में आपको ऐसा मिलता था, टू पाई से थ्री पाई में आपको ऐसा मिलता था। तो जीरो से थ्री पाई में जब आपने ग्राफ बनाया, आप क्या देख रहे हो कि आपको तीन केस मिल रहा है ना, तीन केस एकदम यहां से स्टार्ट करते हो, लेफ्ट साइड से वो तीनों केसेस आप लिखते हो और उसके हिसाब से चलिए अब हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। सो कॉस इनवर्स ऑफ 4x³ - 3x, तीन केस में आंसर लिखना है, एक केस, ये दूसरा केस और ये तीसरा केस। ध्यान से देखिए, पहला है सिंपल y इक्वल टू x लाइन, x मतलब 3θ, 3θ मतलब 3 cos इनवर्स x, ये डायरेक्ट होगा, कंडीशन अभी देखते हैं। दूसरा, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन ये 2 पाई से पास कर रही है और स्लोप -1 है, ये 2 पाई माइनस एक्स है, देखिए आएगा 2 पाई माइनस एक्स की जगह पे है 3θ, 3θ मतलब 3 cos इनवर्स x, और ये क्या है, ये है x माइनस 2 पाई, तो x मतलब 3 cos इनवर्स x माइनस 2 पाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिखोगे, क्लियर। अब रही बात कंडीशन की, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब ये cos इनवर्स की रेंज में लाई करे, cos इनवर्स की रेंज में क्या, 0 से पाई, दोनों से 0 से पाई, 3 से डिवाइड करो, 0 से पाई बाई 3, cos ले लो, cos 0 1 होता है और cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 कितना होता है, cos पाई बाई 3 हाफ होता है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला वैलिड होगा जब x आपका हाफ से 1 के बीच में है। तो एक एक करके आगे बढ़ रहे हो ना, इसलिए ये वाला आप इसी से एनालाइज करके लिख सकते हो, ये वाला वैलिड होगा माइनस हाफ से हाफ के बीच हो तो, और ये वाला वैलिड होगा, ये सबसे लास्ट वाला केस है, एक एक करके बढ़ोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये वाला वैलिड होगा जब x आपका माइनस 1 से माइनस हाफ के बीच हो तो। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, cos इनवर्स ऑफ 4x³ - 3x का फॉर्मूला। तो पता है, आप इस तरीके के फॉर्मूले आपको रटने नहीं पड़ेंगे, आप तुरंत फटाफट बड़े आराम से लिख सकते हैं, और यहां से मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूं, आप 3 cos इनवर्स को cos इनवर्स में भी बदल करके लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो 3 cos इनवर्स को cos इनवर्स में बदल के, आप इसी की हेल्प से लिखना, इसमें डायरेक्ट मत यूज करिएगा, इसमें इसी की हेल्प से लिखना, cos इनवर्स वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता है, इसलिए पहले ये फॉर्मूला डिराइव करना फिर 3 cos इनवर्स का देखो। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो cos इनवर्स ऑफ 4x³ - 3x, जब x आपका वही हाफ से 1 के बीच हो तो, ये इसको इधर और इसको इधर ले जाओ तो ये बनेगा देखो 2 पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ वही 4x³ - 3x, और ये कब आप लिखोगे, ये आप लिखोगे आपका 3 cos इनवर्स 2 पाई को उधर भेजो, 2 पाई को उधर भेजोगे, ये आपके पास आएगा 2 पाई प्लस cos, देखो 2 पाई को उधर भेजा तो 3 cos इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई प्लस cos इनवर्स ऑफ 4x³ - 3x, और यहाँ पे वो कंडीशंस आप लिख दीजिए, ठीक। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ये आपके फॉर्मूलेज हैं, इतने एनालिसिस अगर आप सीख गए हो तो आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। तो इस पे हम लोग चलिए कुछ प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं, ये जो मैंने आपको सिंप्लीफाई कराया ना, फॉर्मूले के जैसे सिंप्लीफाई कराया, इस पे अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। सो योर क्वेश्चन इज, इफ fx इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ऑफ x बाई 2 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ 3 - 3x² ब्रैकेट क्लोज, देन आपको वैल्यू निकालना है, देन फाइंड f ऑफ 1/4 एंड f ऑफ 3/4। क्लियर, क्वेश्चन देख लीजिए, fx है आपका cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बाई 2 प्लस हाफ अंडर रूट 3 - 3x², तो आपको दो वैल्यू बतानी है, f ऑफ 1/4 की वैल्यू बतानी है एंड f ऑफ 3/4 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। जल्दी से ट्राई करिए, फिर मैं करूंगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आपको fx दिया हुआ है भाई, ठीक है। fx क्या दिया हुआ है? fx दिया हुआ है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ऑफ x बाय 2 प्लस 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 3x स्क्वायर। अब आपको f ऑफ 1 बाय 4 निकालना है। आप ऐसा तो है नहीं कि 1 बाय 4 पुट करके और फिर इसको सॉल्व करके और वैल्यू निकाल लोगे, ऐसा आप नहीं कर पाओगे, ना 3 बाय 4 पुट करके करोगे। पहले आप इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, पहले इसको सिंपलीफाई करके रिड्यूस कर लीजिए। जब सिंपलीफाई हो जाएगा ना, तब फिर हम f ऑफ 1 बाय 4, f ऑफ 3 बाय 4 इसकी वैल्यू बताएंगे, ठीक। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए ये टाइप 2 का क्वेश्चन है जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर x के फंक्शंस हैं। तो यहां पे आप एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन करते हो और वो सुटेबल सब्स्टिट्यूशन है, पता है, x इक्वल टू cos थीटा। cos क्यों? दो रीजन है, एक तो cos इनवर्स cos बनेगा, ये फायदा है, और दूसरा यहां पे 3 हटा दोगे कॉमन है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इन सारे रीजन से हमने यहाँ पे एक्स को कॉस थीटा पुट किया। लेकिन मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बार बार बताई कि आप साइड में कंडीशन जरूर लिखिए, बिना इसके क्वेश्चन आगे मत बढ़ाइए। तो साइड में हम कंडीशन लिखते हैं कि थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। जब ये आप पुट करोगे तो अब आपके पास ये एफ ऑफ एक्स आएगा, हालांकि ये थीटा में बदलेगा लेकिन मैं एफ एक्स ही लिख रहा हूँ, बाद में बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपके पास बना cos इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस यहां पे क्या बनेगा, cos इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 इंटू cos थीटा प्लस 3 कॉमन निकालोगे तो बाहर आएगा रूट 3, रूट 3 बाय 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर बनेगा अंडर रूट साइन स्क्वायर और ये बनेगा साइन थीटा। मॉड नहीं लगेगा क्योंकि ये इंटरवल उस मॉड को क्लियर कर लेता है, ना पहले भी बता चुके ओके नाउ। अब यहाँ पे ना कॉस इनवर्स और कॉस को कट कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं, क्योंकि थीटा जो है वो जीरो से पाई है जो कॉस इनवर्स की रेंज में है, इसलिए यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट कट करके थीटा लिख सकते हो। और यहाँ पे देखे क्या है, इसको ना हम लोग एक सिंगल कॉस में बदल देते हैं, इस पूरे को सिंगल कॉस में बदला जा सकता है। कैसे? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री प्लस साइन थीटा साइन 60 डिग्री इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा या थीटा माइनस 60 डिग्री, थीटा माइनस 60 डिग्री या 60 डिग्री माइनस थीटा कुछ भी लिख सकते हो। क्या लिखे आपको लग रहा होगा कि नहीं सर वो लिख दीजिए 60 माइनस थीटा तो अच्छा रहेगा, है ना? तो हम लिखे देते हैं जो आप चाहते हो कि 60 माइनस थीटा ही लिख देते हैं, पाई बाई 3 माइनस थीटा, क्योंकि आपके दिमाग में होगा कि कॉस इनवर्स कॉस को कट कर देंगे तो थीटा प्लस पाई बाई 3 माइनस थीटा, थीटा थीटा कट जाएगा और पाई बाई 3 आ जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं कि आप कॉस इनवर्स कॉस को डायरेक्ट कट कर दोगे। मैंने बार बार मना किया ना, आप डायरेक्ट नहीं कट कर सकते। आप कब कट कर सकते हो? जब ये पाई बाई 3 माइनस थीटा इस कॉस इनवर्स की रेंज में लाई करे तब आप कट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कट कर सकते, क्लियर। तो यहाँ क्या पाई बाई 3 माइनस थीटा कॉस इनवर्स की रेंज में है, देखते हैं। पाई बाई थीटा 0 से पाई है तो पाई बाई 3 माइनस थीटा जो है पाई बाई 3 माइनस 0, पाई बाई 3 माइनस 0 पाई बाई 3 आएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई, पाई बाई 3 माइनस पाई आएगा माइनस 2 पाई बाई 3। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पाई बाई 3 माइनस थीटा जो है वो माइनस 2 पाई बाई 3 से पाई बाई 3 के बीच में लाई करता है और ये कॉस इनवर्स की रेंज में नहीं है। कॉस इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है, इसलिए आप इसको डायरेक्टली कट नहीं कर सकते। फिर कैसे करोगे? फिर जब डायरेक्ट कट नहीं कर सकते हो तो मैंने बताया था कि आप कॉस इनवर्स कॉस के ग्राफ की हेल्प लीजिए। तो कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ बनाते हैं, पूरा नहीं बनाइए, माइनस 2 पाई बाई 3 से पाई बाई 3 के बीच में बनाइए बस, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री मान लीजिए यहां पे आता है पाई बाई 3 एंड माइनस 2 पाई बाई 3 आपका यहां पे कहीं पे आएगा माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो आपको बस इतना ग्राफ कंसीडर करना है, पूरा ग्राफ कंसीडर नहीं करना है। आप क्या देख रहे हो, कितने केस हैं? दो केस, पहला केस ये, दूसरा केस ये। तो हम लोग इसको लेते हैं केस नंबर 1।
कि जब आपका ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, पाई बाई थ्री माइनस थीटा, ये जीरो से पाई बाई थ्री के बीच में लाई करे तो, ये वाला केस, जीरो से पाई बाई थ्री के बीच में लाई करे तो पाई बाई थ्री सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस पाई बाई थ्री माइनस थीटा जीरो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पाई बाई थ्री, ये जीरो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, तो थीटा आपका जीरो से पाई बाई थ्री के बीच में अगर लाई किया, दैट इज योर केस नंबर वन, ये वाला केस है। अगर थीटा जीरो से पाई बाई थ्री के बीच में है तो यहां से देखिए एक्स किस इंटरवल में होगा, एक्स बिलोंग्स टू कॉस जीरो वन होगा, कॉस पाई बाई थ्री हाफ होगा, ये क्या है, ये हाफ कॉस पाई बाई थ्री हाफ कॉस जीरो वन, अगर थीटा जीरो से पाई बाई थ्री तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा ये हाफ से वन के बीच में लाई करेगा, सो दैट इज योर केस वन। इस केस में ये पाई बाई थ्री माइनस थीटा जीरो से पाई बाई थ्री के बीच में है तो यहाँ पे इसका आउटपुट जो है वो वाई इक्वल टू एक्स लाइन आएगा, तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन क्या होगा, सिंपल ये एक्स मतलब थीटा प्लस एक्स मतलब पाई बाई थ्री माइनस थीटा, तो थीटा थीटा कट जाएगा और ये पाई बाई थ्री आ जाएगा, तो केस वन आ गया, एक्स अगर हाफ से वन के बीच में है तो एफ एक्स पाई बाई थ्री है, समझे। केस टू, केस टू अगर पाई बाई थ्री माइनस थीटा माइनस टू पाई बाई थ्री से जीरो के बीच है तो, अब इतना एनालिसिस मत करिए, आप डायरेक्ट लिखिए अगर एक्स हाफ से वन के बीच में ये है तो बचा हुआ केस केस टू में चला जाएगा, बचा हुआ केस मतलब कौन सा, जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से लेकर के हाफ के बीच में है तो, यही बचा हुआ केस है और ये केस टू में चला जाएगा। केस टू में ये कौन सी लाइन फॉलो हो रही, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स जब फॉलो होगा तो इसका आउटपुट जो है वो क्या आएगा, माइनस एक्स, मतलब इसके पीछे माइनस लगा के आउटपुट आएगा, ये एक्स है, एक्स की जगह पे ये पाई बाई थ्री माइनस थीटा है तो माइनस एक्स में आएगा, पता है थीटा माइनस पाई बाई थ्री, या ये आएगा टू थीटा माइनस पाई बाई थ्री, या इसको वापस एक्स में बदल दीजिए तो थीटा इज कॉस इनवर्स एक्स, ये आएगा टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई थ्री, समझे। आगे का कैलकुलेशन मैं यही पे किए दे रहा हूँ, अननेसेसरी नया पेज खोलेंगे तो बार बार पीछे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे देखिए, तो यहां से फाइनली हमने एफ एक्स को लिख लिया भाई, एफ एक्स हमारा दो केस में आ रहा है, एक डायरेक्ट पाई बाई थ्री आ रहा है और एक आ रहा है हमारा टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई थ्री, ये कब हो रहा है, जब x आपका हाफ से वन के बीच है तब, x बिलोंगिंग टू हाफ टू वन, ठीक। और ये कब वैलिड है, जब x आपका माइनस वन से वन बाई टू के बीच में है तब, ठीक है। अब आपको निकालना, ये तो ठीक है fx हमने एक्सप्लिसिटली निकाल लिया, लेकिन आपको ये निकालना है f ऑफ वन बाई फोर एंड f ऑफ थ्री बाई फोर, तो देखिए f ऑफ वन बाई फोर की वैल्यू, f ऑफ वन बाई फोर की वैल्यू, 1 बाई फोर किस इंटरवल में, देखो यहाँ पे है ना इस वाले में माइनस वन से हाफ के बीच में है 1 बाई फोर, तो यहाँ पे 1 बाई फोर डालिए तो आपका आंसर आएगा 2 कॉस इनवर्स 1 बाई फोर माइनस पाई बाई थ्री। फिर आपको निकालना है एफ ऑफ 3 बाई फोर, तो 3 बाई फोर किस इंटरवल में है, 3 बाई फोर देखो इस इंटरवल में है, तो 3 बाई फोर इस इंटरवल में है तो इसका एफ एक्स का आउटपुट आएगा पाई बाई थ्री, ये है आपका आंसर। ये क्वेश्चन आपके पैकेज में भी है, एडवांस लेवल की ही प्रॉब्लम है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा देख सकते हो और मुझसे डाउट पूछ लेना, जो भी डाउट होंगे, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे एफ ऑफ 1 बाई फोर कैसे निकाला, 1 बाई फोर इस इंटरवल में है तो ये वाला डेफिनेशन यूज करके हमने एक्स की वैल्यू 1 बाई फोर पुट किया, और एफ ऑफ 3 बाई फोर के लिए 3 बाई फोर यहाँ पे है तो ये डेफिनेशन यूज किया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो कर लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और टॉपिक को कंप्लीट करने की ओर बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।